अस्सलाम वालेकुम टू ऑल लॉयर्स कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान, टू ऑल माय एडवोकेट कॉलीग्स, जूनियर्स एंड रिस्पेक्टेड सीनियर्स। माय नेम इज फखर हयात, एडवोकेट हाई कोर्ट। टुडे आई वांट टू डिस्कस सम रिफॉर्म्स दैट आर डायरली नीडेड इन आवर लीगल एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, एंड इट इज हम्बल रिक्वेस्ट to Pakistan Bar Council and all legal institutions, kindly consider and think about these some suggestions and proposed reforms about our legal education system in Pakistan. My dear colleagues, jab hum as a लॉ के प्रोफेशन को अडॉप्ट करने का सोचते हैं, जब हम अपनी लॉ की डिग्री में एडमिशन लेते हैं, तो एडमिशन लेने के बाद जैसे ही हम अपना स्टडी स्टार्ट करते हैं, तो यूनिवर्सिटीज में जहां पर हम लॉ की तालीम हासिल कर रहे होते हैं, वहां पर हमें पढ़ाया जा रहा होता है कि लॉ इज द प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स। अंडरस्टैंड, आप में से बहुत से लोग इस बात से इत्तफाक करेंगे कि हमारे सीनियर अक्सर ये कहा करते हैं, जब हम किसी पब्लिक प्लेसेस पर बैठे होते हैं, जब हम किसी बार रूम की कैंटीन में बैठे होते हैं, जब हम अभी अपनी किसी बार की लाइब्रेरी में बैठे होते हैं, तो हमारी जब डिस्कशन जारी होती है, जब हम फील्ड में आने के बाद, तो हम सोचते हैं कि जो हमें लॉ में पढ़ाया गया था या जो हमें लॉ में बातें सुनाई गई थी, जो हमें सबस बार दिखाए गए थे, तो प्रैक्टिकल लाइफ जो है वो लॉ में आने के बाद इससे डिफरेंट है। तो हमारे माइंड में एक स्केच होता है कि वो जुमला जो हमने सुना था, लॉ इज द प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स, वो उस तरह का प्रोफेशन अगर है तो एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, अगर एग्जिस्ट करता है तो नजर क्यों नहीं आता, या फिर वो जुमला जो है वो यूरोपियन कंट्रीज के लिए था या फिर अमेरिकन कंट्रीज के लिए था। और फील्ड में आने के बाद हमारे यंग लॉयर्स के साथ स्पेशली बहुत सारे इश्यूज जो हैं उनके साथ एग्जिस्ट करते हैं, यंग लॉयर्स के साथ, यंग लॉयर्स के फ्यूचर के साथ, यंग लॉयर्स की अर्निंग के साथ, यंग लॉयर्स जो हैं काफी सारे इश्यूज को देखकर, अपनी जो है एक अपने फ्यूचर को देखकर फेड अप हो जाते हैं। इन सारी बातों के पीछे अगर बहुत सारे अवामिल कार फरमा है, तो उनके पीछे जो एक सबसे बड़ा अवामिल है वो है हमारा लीगल एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, तो इस मकसद को समझने के लिए, इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए कि व्हाई आवर प्रोफेशन इन ट्रू मीनिंग्स इज नॉट अ प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड दैट प्रिवेल्स इन अदर यूरोपियन कंट्रीज एंड इन अदर डिफरेंट स्टेट्स। सो a lot of loopholes and a lot of complications prevails with our legal education system in Pakistan. Today, I will discuss with you some of the proposed suggestions and reforms that can be considered for upgradation of our legal education system in Pakistan. Proposed Reforms in Legal Education System in Pakistan, Episode 1। ये काफी सारी रिसर्च करने के बाद और काफी सारा ऑब्जर्वेशन करने के बाद, फील्ड में आने के बाद, बहुत सारी लोगों की हमारे लॉ के प्रोफेशन को बेटर बनाने के लिए, खास तौर पर यंग वकला ने जितनी तहरीकें चलाई हैं, यंग वकला ने जितनी एफर्ट्स की हैं, हमारी लीगल एजुकेशन कमेटीज ने जितना बेटर किया है हमारे लॉ के प्रोफेशन को मजीद अपग्रेड करने में, उनका रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। दे आर ऑल पार्टिसिपेट ऑफ दीज रिफॉर्म्स, एंड स्पेशली 5 ईयर एलएलबी डिग्री जो है ये एक बहुत अच्छा कदम है। इट इज वेरी गुड स्टेप टू अपग्रेड एंड टू प्रमोट अ क्वालिटी लीगल एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान। लेकिन माय डियर कोलीग्स, हमारे लीगल एजुकेशन सिस्टम का, हमारी
जो फ्यूचर है, हमारी फ्यूचर लॉयर जनरेशन जो है उसके साथ एक बड़ा गहरा ताल्लुक है। जिस तरह से किसी भी एक अच्छे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में किसी क्वालिटी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए वहां की क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायर्ड होती है। अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी लेवल की है तो आपका प्रोडक्ट्स भी जो निकलेगा वो क्वालिटी लेवल का निकलेगा। तो इसलिए हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को, स्पेशली हमें अपने लीगल एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है। हमारे लीगल एजुकेशन सिस्टम को अपग्रेडेशन की जरूरत है। एंड आई विल प्रूव दैट, यू विल एग्री विथ माई प्रपोज रिफॉर्म्स आफ्टर लिसनिंग दिस लेक्चर कंप्लीटली। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेयर वी स्टैंड, हम कहां पर खड़े हैं और कब से खड़े हैं, इस निजाम को लेकर हम कब से जो है इसी निजाम पर चल रहे हैं और हमारे रिजल्ट्स क्या हैं। माय टॉपिक इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज डायरली नीडेड। रिसर्च और डेवलपमेंट की बहुत जरूरत है। आई विल कंपेयर एलएलबी डिग्रीज विद ट्रेडिशनल अप्रोच एंड विद मॉडर्न अप्रोच। अंडरस्टैंड, जो जब से हमारा सिस्टम सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो यहाँ पर ब्रिटिश ये निजाम लेकर आए, बाहर की एजुकेशन थी और राउंड अबाउट 18 सेंचुरी से और फिर 19 और फिर 20, तो इतने अरसे से निजाम वही का वही है, यानी इट इज ट्रेडिशनल अप्रोच। नाउ द वर्ल्ड इज कन्वर्टिंग इनटू अ यूनिफॉर्म ग्लोबलाइज्ड सिस्टम। अब दुनिया जो है वो ग्लोबलाइज्ड हो चुकी है ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आज मॉडर्निज्म का दौर है, हमें खुद को, हमें अपने निजाम को, हमें अपने सिस्टम को अपग्रेड करना होगा। कैसे? ट्रेडिशनल डिग्री एलएलबी, जो रवायती डिग्री हम लेकर चल रहे हैं, जिस पर हम ऑलरेडी पिछले 100 साल से, 50 साल से, जो हमारे रीजन में, सब कॉन्टिनेंट में और फिर अब पाकिस्तान में भी सेम अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच इसको कहते हैं, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ यंग लॉयर्स। इसकी वजह से जो स्पेशली यंग लॉयर्स का इस्तेहसाल हो रहा है, जब वो फील्ड में आते हैं डिग्री कंप्लीट करने के बाद, तो यंग लॉयर्स ऐसे फील्ड में आके खड़े हो जाते हैं जैसे कोई बंदा चौक में जाके खड़ा हो जाता है। अब चौक में कोई बंदा खड़ा हो तो उसके पास चारों ऑप्शन है, वो मशरिक को चला जाए, मगरब चला जाए, शुमाल चला जाए या फिर जनूब चला जाए, उसके पास ऑप्शन है कि वो कहीं भी जा सकता है। इसी तरह से हम डिग्री कंप्लीट करने के बाद खड़े होते हैं और हम सोच रहे होते हैं कि हम सिविल में जाएं, क्रिमिनल में जाएं, टैक्सेशन में जाएं, कॉरपोरेट में जाएं, हम किधर जाएं। क्यों? क्योंकि डिग्री लेवल पर जब हम डिग्री कर रहे थे, हमारी प्रॉपर काउंसलिंग नहीं हुई। वी नीड प्रॉपर लीगल कैरियर काउंसलिंग एट डिग्री लेवल, एट यूनिवर्सिटी लेवल। तो इसलिए ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है हमारे लीगल एजुकेशन सिस्टम की, इसको हम कंपेयर करेंगे हमारी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के साथ। तो इसमें आप देख लें, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ यंग लायर्स, ये हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, हमारे सिस्टम की वजह से, इसका जवाब आपको कुछ ही मिनट्स में मिलने वाला है। अनएम्प्लॉयमेंट, नो डिफाइंड कैरियर इन विच सेक्टर, क्रिमिनल, सिविल, टैक्स, कॉर्पोरेट एटसेट्रा। एंड अगर हम सीजे रिजल्ट्स अपनी, हम अगर जुडिशरी के रिजल्ट्स देखें, तो कभी 8 लोग पास हो रहे हैं, कभी 2 लोग पास हो रहे हैं, कभी एक बंदा क्वालिफाई कर रहा है। तो इसके पीछे बेसिकली वजह क्या है, जहां पर बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, वहां पर सबसे जो मेजर वजह है वो है हमारा एजुकेशन सिस्टम। एंड दैट इज ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम, एलएलबी, ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम। तो डियर कॉलीग्स, इन सारे सवालात के जवाबात अगर आपने देखने हो, तो आप इस ट्रेडिशनल डिग्री को कन्वर्ट करके देखें, इसको आप कंपेयर करके देखें मॉडर्न जो है हमारी जो वक्त की जरूरत है उसके साथ। तो जिस तरह से निजाम तब्दील हो रहा है, जिस तरह से पूरी दुनिया जो है वो इट इज यूनाइटेड ग्लोबल सिस्टम में कन्वर्ट हो चुकी है, तो इसलिए हमें भी वक्त के साथ साथ स्पेशलाइजेशन की जरूरत है। अब हमें ट्रेडिशनल एजुकेशन से निकलकर हमें स्पेशलाइजेशन एजुकेशन की तरफ जाना होगा, जो कि हमारे वक्त की बहुत बड़ी जरूरत है।
और हमारी पाकिस्तान बार काउंसिल को इस बात पर स्पेशली फोकस करना होगा कि वी नीड स्पेशलाइज्ड लीगल एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान फॉर बेटर रिजल्ट्स, फॉर बेटर लीगल जनरेशन। नाउ तो एलएलबी की जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच है उसको अब हम कंपेयर करेंगे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ, मॉडर्न डिग्रीज के साथ और मॉडर्न स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम के साथ। देखिए, आप एलएलबी की डिग्री करते हैं 5 साल की, 3 साल की या 5 साल की, पहले 3 साल की थी, 5 साल की हो गई है फर्दर। तो इसमें आप राउंड अबाउट 50 सब्जेक्ट्स लॉ से रिलेटेड, अगर वो 5 साल की है, अगर 3 साल की एलएलबी है तो आप राउंड अबाउट 27 से 30 सब्जेक्ट्स आप स्टूडेंट्स को पढ़ा देते हैं। आप एक ऐसा जनरल प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं जो किसी भी काम आ सकती है, किसी भी काम उसको लगाया जा सकता है। तो हमें अब ये वक्त आ गया है मॉडर्न जो आज दौर है, तो हमें आज लोगों की जरूरत है, स्पेशलाइज्ड लोगों की जरूरत है, हमें अब जनरल लोगों की जरूरत नहीं है। जब आप एक स्टूडेंट को 5 साल में सिस्टम के तहत 50 सब्जेक्ट्स पढ़ा देंगे, लैंड रेवेन्यू पढ़ा देंगे, बेरेट्स, सीआरपीसी पढ़ा देंगे, सिविल प्रोसीजर पढ़ा देंगे, टैक्स पढ़ा देंगे, बैंकिंग लॉस पढ़ा देंगे, पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा देंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा देंगे, तो इनका उसकी जो फील्ड है, उस जिस फील्ड में जाके उसने प्रैक्टिस करनी है, इन 50 सब्जेक्ट्स का क्या रोल है? इन 50 सब्जेक्ट्स का उसकी जो डिफाइंड फील्ड है उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। मिसाल के तौर पर अब किसी पर्सन ने, किसी कैंडिडेट ने अपने फ्यूचर में जाके क्रिमिनल की प्रैक्टिस करनी है, तो जो आपने उसको पढ़ाया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लैंड रेवेन्यू एक्ट, टैक्सेशन लॉज, इनकी उसके क्रिमिनल लॉ की प्रैक्टिस के साथ क्या रिलेशन बनता है? इसी तरह से अगर किसी पर्सन ने सिविल की प्रैक्टिस करनी है तो उसका क्रिमिनल लॉ के साथ, उसका इन्वेस्टिगेशन के साथ, इंटरोगेशन के साथ, पुलिस रूल्स के, पुलिस ऑर्डर, पुलिस रूल्स, तो इन सब के साथ उसका क्या रिलेशन बनता है? दिस ऑल इज कॉल्ड ट्रेडिशनल अप्रोच एंड ट्रेडिशनल लीगल एजुकेशन सिस्टम। इसी वजह से जब हम 5 साल में 50 सब्जेक्ट पढ़कर आते हैं तो हम फिर आकर सोच रहे होते हैं कि हम किस तरफ जाएं। हमारा टाइम जाया होता फील्ड में, हम यंग लॉयर्स फेडअप हो जाते हैं कि हमारा तो लॉ के बाद कोई वेल डिफाइंड कैरियर ही नहीं है। फिर हम कभी कोई प्रैक्टिस में निकल जाता है, कोई फील्ड ही छोड़ जाते हैं, कोई बिजनेस करने लग जाते हैं, कोई कुछ कोई कुछ। तो इन सब सूरत हाल को बेटर करने के लिए, इन सारे सवालात के जवाब के लिए वी नीड स्पेशल एजुकेशन सिस्टम, दैट इज कॉल्ड स्पेशलाइजेशन। तो इस ट्रेडिशनल अप्रोच को अगर आप कंपैरिजन करें इनोवेशन एंड न्यू एंड मॉडर्न डिग्रीज, दैट विल बी स्पेसिफाइड एंड स्पेशलाइज्ड डिग्रीज इन एवरी फील्ड। हमें इस एलएलबी को, एक जो जनरल एलएलबी हम 3-5 साल वाला करवा रहे हैं, हमें अपने इस लीगल एजुकेशन सिस्टम को कन्वर्ट करना होगा स्पेशल एजुकेशन सिस्टम के साथ। हमें लाना होगा एलएलबी इन क्रिमिनल लॉ, 5 ईयर का एलएलबी हो और एवरी हर फील्ड के लिए स्पेशलाइज्ड लॉ हो 5 साल का। जस्ट जिस बंदे को आप 5 साल में जस्ट क्रिमिनल लॉ पढ़ाएंगे, उस पर्सन की, उस कैंडिडेट की, उस स्टूडेंट की क्रिमिनल लॉ पर इतनी ग्रिप हो जाएगी कि उसको फील्ड में आने के बाद 5 साल, 10 साल जो प्रैक्टिस का लोग इंतजार करते हैं कि 5 साल बाद मैं इस काबिल हो जाऊंगा कि मेरी अर्निंग उस पर्सन के, मैं कंपैरिजन कर सकता हूं कि आई एम अ गुड लॉयर एंड अब मेरी अर्निंग बहुत अच्छी है। जो हम 5-10 साल जाकर लगाते हैं फील्ड में आने के बाद, वो हमें यहां पर ही जो है कवर करवाया जा सकता है। ठीक है, इसलिए एलएलबी स्पेसिफाइड कर दें 5 साल के लिए, एलएलबी सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ एंड टैक्सेशन लॉ। अंडरस्टैंड, इट इज कॉल्ड स्पेशल एजुकेशन सिस्टम। और इसका आपको फायदा क्या होगा? जो आपके स्टूडेंट्स क्रिमिनल लॉ के पढ़ने वाले हैं, जिन्होंने जस्ट क्रिमिनल लॉ पढ़ा है,
वो क्रिमिनल लॉ ही पढ़ेंगे, क्रिमिनल लॉ पर ही रिसर्च करेंगे, क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड ही स्टडी करेंगे, और अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद गवर्नमेंट उनको 5 साल की डिग्री प्रोवाइड करने के बाद 1 साल की कंप्रिहेंसिव ट्रेनिंग दे फील्ड में। और वो ट्रेनिंग भी क्या होनी चाहिए, पेड ट्रेनिंग होनी चाहिए। उसमें आप जो है यंग लॉयर्स को खाली हाथ ना छोड़ें, उनको कुछ फिक्स अमाउंट दें जिससे उनके कुछ मिसलिनियस एक्सपेंसेस पूरे होते रहें। तो मैं बात कर रहा था स्पेशलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम की। जब स्टूडेंट 5 साल में क्रिमिनल लॉ ही पढ़ेगा, क्रिमिनल लॉ की रिसर्च करेगा, तो वो एक इतना कॉम्पिटेंट स्टूडेंट बन जाएगा क्रिमिनल लॉ का कि वो फील्ड में आते ही जब आप उसको एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी साथ करवा देंगे, तो कल को आप एक अच्छा क्रिमिनल लॉयर लेकर बैठे होंगे, एक कॉम्पिटेंट स्टूडेंट आप लेकर बैठे होंगे, एक कॉम्पिटेंट जो है आपके पास प्रोसिक्यूटर होगा, कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन आपके पास जुडिशरी होगी। तो इसलिए हमें अपने निजाम को बदलने की बहुत जरूरत है। अब इसी तरह से आप सिविल लॉ देख लें, इस तरह से कॉर्पोरेट लॉ देख लें और टैक्स लॉ देख लें। स्पेशली हमारी जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है या हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, हमारे कंट्री में बहुत सारे कॉम्पिटेंट लोगों की जरूरत है। हम कभी अपना कोई वजीर खजाना लेकर आ जाते हैं, कभी हम कहते हैं कि हमारा वजीर खजाना लंदन का पढ़ा होना चाहिए, कभी हम सोचते हैं कि हमारा जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है वो जो है हॉवर्ड का पढ़ा होना चाहिए, ऑक्सफोर्ड का पढ़ा होना चाहिए। इसकी वजह क्या है? क्योंकि हम जनरल प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं, हम स्पेशल प्रोडक्ट्स जो है वो तैयार नहीं कर रहे। वी नीड स्पेशल एजुकेशन, स्पेशलाइजेशन। तो जब आप किसी एक स्टूडेंट को 5 साल में सिर्फ टैक्सेशन का लॉ पढ़ाएंगे, 3 साल उसको टैक्सेशन पढ़ाएं और इतनी टैक्सेशन पढ़ाएं, इतनी पढ़ाएं, इतनी उसको प्रैक्टिस करवा दें कि आकर जब फील्ड में, जब वो देखे फील्ड में, तो उसको पता हो कि आई हैव डन, मुझे ये काम तो सारा आता है। उसको फील्ड में बैठकर 5 साल वेट ना करना पड़े। क्यों? हम यंग लायर्स को फील्ड में बैठकर 5 साल वेट करना पड़ता है कि हम डिग्री कंप्लीट करने के बाद 5 साल काम को सीखेंगे तो हमें अर्निंग स्टार्ट होगी। तो जब आपके पास स्पेशलाइज्ड लोग होंगे, तो आपकी यंग जनरेशन के साथ, आपके यंग लॉयर्स के साथ जो है ये एक्सप्लॉयटेशन वाला काम, इस्तेहसाल वाला काम और अनएम्प्लॉयमेंट वाला काम लॉयर्स के साथ नहीं होगा। आपका बैंकिंग सेक्टर, आपकी पाकिस्तान की टॉप की जो टैक्स मशीनरी है, आपके टॉप लेवल के रेवेन्यू के जो इदारे हैं, वो आपसे मांगेंगे कि जनाब पाकिस्तान बार काउंसिल से वो रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें टॉप 100 लोग दे दें टैक्स वाले। इतने अच्छे टैक्स के कंसल्टेंट्स आपके साथ तैयार हो जाएंगे, इतनी टैक्स कंसल्टेंट आपके साथ तैयार हो जाएंगे कि आप लोग किसी भी कंट्री के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जिनकी 10 10 ईयर 20 ईयर प्रैक्टिस है टैक्सेशन की, आपका जो स्टूडेंट होगा वो उनको क्रॉस कर जाएगा। तो इसलिए हमें स्पेशलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम की जरूरत है, हमें इस स्पेशल एजुकेशन सिस्टम पर सोचना होगा। ठीक है जी, तो ये जनाब स्पेशल एजुकेशन सिस्टम है, ये मैंने आपको बताया है कि ये हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है और ये स्पेशल एजुकेशन सिस्टम है। अगर हम इस अपने स्पेशल एजुकेशन सिस्टम को लेकर आ जाएं, तो उसका आफ्टर मैथ क्या होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, वो हम देखते हैं। आफ्टर मैथ या कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे हमारे साथ, आफ्टर मैथ कॉन्सिक्वेंसेस विद न्यू डिग्री सिस्टम एंड विद अपग्रेडेशन लीगल सिस्टम, टॉप लेवल स्पेशलाइज्ड लॉयर्स। हमें फिर अपनी किसी भी फील्ड के टॉप के लॉयर्स हमारे पास अवेलेबल होंगे। बहुत सारी जगह पर हम फील करते हैं, जब कभी हम अपना केस किसी भी फोरम पर, इंटरनेशनल फोरम पर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, किसी इंटरनेशनल कोर्ट में लेकर जाते हैं, तो वहां उस लेवल पर जाकर हमें फील होता है कि हमारे पास काश इससे भी ज्यादा कॉम्पिटेंट लॉयर्स होते। तो ये आपकी कमी कब फील होगी, जब आप स्पेशलाइजेशन एजुकेशन को प्रमोट करेंगे। अंडरस्टैंड? देखें, जब कोई स्टूडेंट जस्ट क्रिमिनल लॉ की प्रैक्टिस करता है, उसको पता है कि मैंने करना ही क्रिमिनल है, नो अदर चांस, नो अदर फील्ड, तो
तो वो उसमें ही अपना 100% इनपुट लगा देगा, जिससे उसका 100% आउटपुट आएगा। तो आप जब 2 से 3 बैच आपके निकलेंगे कल को, अगर आप तब्दीली लेकर आते हैं इस किस्म की स्पेशलाइजेशन एजुकेशन की, तो फिर आप देखेंगे कि आपके पास टॉप लेवल के स्पेशलाइज्ड लॉयर होंगे, टॉप लेवल की आपके पास जुडिशरी होगी, आपकी क्रिमिनल कोर्ट्स में आपके कॉम्पिटेंट क्रिमिनल लॉयर्स आके इस कंट्री को सर्व करेंगे, ठीक है। टॉप लॉयर कॉर्पोरेट लॉयर्स, जितनी आपकी बड़ी कॉर्पोरेट फर्म्स हैं, इंटरनेशनल कॉर्पोरेट फर्म्स हैं, आप इस लेवल की कॉर्पोरेट 5 साल में स्टूडेंट्स को पढ़ा दें यूनिवर्सिटी लेवल पर, कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं, वो पाकिस्तान से डिमांड करें कि हमें पाकिस्तान के कॉर्पोरेट लॉयर्स चाहिए। इतनी कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए आपके कॉर्पोरेट लॉयर्स में, और वो तब ही आ सकती है अगर आप अपना एजुकेशन सिस्टम जो है उसको स्पेशलाइज्ड कर ले। टॉप लेवल टैक्स कंसल्टेंट्स, आपके पास जनाब टॉप लेवल के टैक्स कंसल्टेंट्स लोग पैदा हो जाएंगे। इट इज 100% एग्जिस्ट दिस थ्योरी, दिस प्रपोज्ड रिफॉर्म्स 100% एग्जिस्ट। आप स्पेशलाइज्ड एजुकेशन की बात करते हैं तो आप अपने आप को कंपेरिजन करके देख लें फॉरेन कंट्रीज के साथ। You will see that specialized education is much better, more better than general education system and than traditional education system. तो ये तब ही होगा जब आप specialized education को promote करेंगे। और tax consultant, आपके पास इतने अच्छे tax consultant होंगे कि आपकी chartered accountant firms जो हैं वो लोग रिस्क करेंगे आप लोगों के tax consultants के साथ। एक स्टूडेंट को लॉ के 5 साल में जस्ट टैक्सेशन पढ़ाई गई है, पूरा फोकस ही टैक्सेशन पर रहा है। तमाम बैंकिंग का जो सिस्टम है उसकी टैक्सेशन आप स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल जो है वो करके 5 साल में दिखा दें, तो आप देखेंगे कि वो बंदा क्या बन जाएगा। अंडरस्टैंड? तो इसलिए कॉन्सिक्वेंसिस के तौर पर फिर क्या होगा, टॉप लेवल नेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, ये आपके नेशनल के टॉप लेवल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये आपके टॉप इंस्टीट्यूट्स जो हैं, ये आपसे पाकिस्तान बार काउंसिल से, हमारी लीगल एजुकेशन सिस्टम से, जब इनको रिजल्ट्स मिलेंगे तो ये लोग डिमांड करेंगे, ये लोग पाकिस्तान बार काउंसिल को डिमांड करेंगे कि काइंडली हमें टैक्स के टॉप 100 लोग जो हैं, हमें फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को चाहिए, हमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को चाहिए, हमें स्टेट बैंक को चाहिए। अंडरस्टैंड? तो ये होगी आपकी डिमांड, होगी फिर आपकी जब आप एक अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट तैयार करेंगे, टू द पॉइंट तैयार करेंगे, फिर उनकी मार्केट में डिमांड होगी, फिर अनएम्प्लॉयमेंट वाला काम खत्म हो जाएगा, एक्सप्लॉयटेशन वाला काम खत्म हो जाएगा, यंग लॉयर्स का जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो जाएगा। और इसी तरह से जहां आपकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपकी डिमांड करेगी, और इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पर भी आपकी डिमांड होगी, वर्ल्ड बैंक, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंटरनेशनल जो है रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, वो लोग आपसे आपके टैक्स के कंसल्टेंट्स डिमांड करेंगे, वो लोग आपसे आपके जो है कॉर्पोरेट मैनेजर्स, कॉर्पोरेट लॉयर्स, वो आपसे डिमांड करेंगे। फिर बैरूनी दुनिया के जो लोग हैं वो सोचेंगे कि अगर यूरोपियन कंट्रीज में या मुत्तहिदा अरब अमारात में अगर पाकिस्तान के टैक्स कंसल्टेंट इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो वहां के एजुकेशन सिस्टम में ऐसी क्या बात आ गई है जो हमने पिछले 50 साल में नहीं देखी। पिछले 50 साल में हमारे पाकिस्तान के कॉर्पोरेट लॉयर्स और हमारे टैक्स के कंसल्टेंट के पास इतना जो है आउटपुट नहीं था, हमारे टैक्स कंसल्टेंट के पास इतनी कॉम्पिटेंसी नहीं थी, हमारा जो मैन पावर है जो हम बाहर वाले कंट्रीज भेज रहे थे या अपने कंट्रीज में सर्व कर रहे थे, हमारे पास इतनी टैक्स कंसल्टेंट्स के जो है इंटेलेक्चुअल स्कॉलर्स नहीं थे जो आज हमारे पास अवेलेबल हैं। तो ये सब कुछ हो सकता है, इट इज पॉसिबल, अगर आप कन्वर्ट कर दें अपने जनरल एजुकेशन सिस्टम को, ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को, विद स्पेशलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम। इसके अलावा और बहुत सी मेरे माइंड में कुछ रिफॉर्म्स हैं, कुछ सजेशन हैं, जो मैं इन रिटर्न फॉर्म पाकिस्तान बार काउंसिल को और एंड अदर लीगल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को प्रोवाइड कर सकता हूं, और मैं करूंगा।
की बेहतरी के लिए और अपने लीगल एजुकेशन सिस्टम की बेहतरी के लिए मैं इंशाल्लाह अपना रोल अदा करूंगा। और आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी हमारे एजुकेशन लीगल एजुकेशन सिस्टम को बेटर बनाने के लिए, बेहतरीन बनाने के लिए आप लोग अपनी खिदमत सर अंजाम दें और आप लोग अपनी सजेशंस दें पाकिस्तान बार काउंसिल को। और पाकिस्तान बार काउंसिल से रिक्वेस्ट है कि हमारी इन सजेशंस को एक्सेप्ट करें, इन पर इनको कंसिडर करें और मुनासिब समझे तो इस पर काम भी स्टार्ट कर दे। तो एंड पर मैं एक पैगाम आप लोगों के लिए देना चाहता हूं कि हमारी इन तमाम प्रपोज्ड चीजें जो हमारी रिफॉर्म्स हैं, ये जो हमारी सजेशन है, उसके पीछे हमारा एक मोटिव है। और मोटिव क्या है? मेक दिस प्रोफेशन अ प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स इन ट्रू मीनिंग्स। हमें ट्रू मीनिंग्स में अपने इस प्रोफेशन को प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स बनाना है और साबित करना है और अपना लोहा मनवाना है। तो माय डियर कोलीग्स, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह फिर इस तरह की कुछ बेटर रिफॉर्म्स, कुछ बेटर सजेशंस लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।